कतर से जो खबर सामने आई है 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को लेकर, उसने सबको चौंकाया हुआ है। अचानक से उनको मौत की सजा वहां पर दी जाती है, लेकिन कोई भी पब्लिक डोमेन में जानकारी अभी भी आधिकारिक तौर पर कतर की ओर से नहीं दी गई, और यही मिस्ट्री पैदा करती है। इसी को लेकर असमंजस है, इसी को लेकर कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर कतर अब तक पूरी जानकारी इन 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को लेकर क्यों नहीं दे पा रहा है। तो ये मिस्ट्री हम समझेंगे कि आखिर कतर ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन जो सीक्वेंस है, सबसे पहले आप वो देखिए, पिछले साल की बात कर रही हूं, 30 अगस्त 2022 गिरफ्तारी होती है इन 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की। 30 सितंबर 2022 पहली बार परिजनों से बात कराई जाती, यानी अब तक कोई भी परिजनों से बात नहीं कराई गई, एक महीने का वक्त बीत गया, लेकिन पहली बार 30 सितंबर 2022 ठीक एक महीने बाद उनकी बातचीत उनके परिजनों से करवाई जाती है। 10 अक्टूबर 2022 पहला कॉन्सुलेट एक्सेस दिया जाता है, यानी कि जो भारतीय गवर्नमेंट थी, जो भारतीय एम्बेसी थी, उसको पहली बार पता चलता है कि इनको वहां पर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, यानी कि अलग अलग सेल्स में रखा गया है, और उनकी गिरफ्तारी हुई है। एक महीने तक ये बात कतर की जो सरकार थी उसने छुपा कर रखी थी, लेकिन एक महीने बाद ये भारतीय अधिकारी को बताई जाती है। मार्च 2023 जमानत याचिका वो खारिज कर दी जाती है इन 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की। 29 मार्च 2023 मुकदमा इन पर शुरू कर दिया जाता है। 30 अक्टूबर 2023 सुनवाई शुरू यहां पर पूरी हो जाती है, लेकिन 26 अक्टूबर यानी कि इसी महीने की 26 तारीख को मौत की सजा इनको यहां पर दे दी जाती है। अब आप ही समझिए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक कौन है। यहाँ की जो भारतीय नेवी है उसमें इन्होंने अपनी सर्विस दी है, लेकिन जब ये रिटायर हो गए थे तो उसके बाद उन्होंने एक कंपनी कतर में ज्वाइन कर ली। इस कंपनी का नाम था देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी। इस कंपनी का काम इतना था, ये वहां की जो आर्मी थी उसको सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, इन तमाम चीजों की, लेकिन वहां पर ये उच्च पद पर तैनात थे। तो ऐसे में अब मिस्ट्री की वजह है आखिर क्या है, ऐसा क्यों लग रहा है कि कतर ये कुछ सोची समझी इसकी साजिश है, या फिर कई चीजें उसने अब तक बताई नहीं है, इस वजह से काफी असमंजस इसको लेकर है, इसको मिस्ट्री क्यों कहा जा रहा है। देखिए, देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी, इसके जो मालिक है वो एक ओमानियन नेशनल है जिनका नाम है खामिस अल आजमी। ये उसके इस कंपनी के मालिक हैं, खामिस अल आजमी, जो कि एक ओमानियन नेशनल है, यानी कि ओमान से ये है, और ओमान की आर्मी में स्क्वाड्रन लीडर भी ये रह चुके हैं। ऐसे में जब रिटायर हो जाते हैं तो एक कंपनी खोलते हैं देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी के नाम से। इन 8 के साथ इनकी भी गिरफ्तारी हुई थी, यानी 8 पूर्व नौसैनिक तो गिरफ्तार हुए ही थे, उनके साथ इनकी भी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन पूरा का पूरा जो केस था वो इन 8ों पर चला और इन 1 को छोड़ दिया गया। पिछले साल ही इनकी गिरफ्तारी हुई और नवंबर में इनको छोड़ दिया गया और ये ओमान चले गए। इन्होंने दूसरी जो बड़ी वजह है, गिरफ्तारी के बाद वेबसाइट जो है कतर में देहरा में अचानक से बंद कर दी जाती है, उसमें जो 8 पूर्व नौसैनिक थे, भारतीय पूर्व नौसैनिक, उनकी पूरी जानकारी उस वेबसाइट में थी पुरानी वाली, लेकिन जब नई वेबसाइट खोली जाती है उनके बारे में कोई भी जानकारी उस साइट पर नहीं होती है। तो ऐसे में ये चीजें तमाम शक पैदा करती हैं, और गिरफ्तारी के एक महीने तक इंडियन अथॉरिटीज को कोई भी खबर इनके बारे में नहीं दी जाती है। अचानक से एक महीने बाद इनको बताया जाता है कि हमने आपके इतने लोगों को गिरफ्तार किया है, तो ये भी मिस्ट्री पैदा करती है। चौथी बड़ी वजह है सीक्रेट ट्रायल हुआ है पूरे उसका, और अब तक भी कोई आधिकारिक जानकारी पब्लिक डोमेन में कतर की सरकार की ओर से नहीं दी गई है। और खबरें तो ये भी थी कि आधी रात को गिरफ्तारी की खबरें इनकी सामने आई थी, जब 30 अगस्त 2022 को इनकी गिरफ्तारी की जाती है उस वक्त। देखिए, वेना कन्वेंशन का उल्लंघन यहाँ पर कतर करता हुआ नजर आ रहा है। 1998 में कतर ने वियना कन्वेंशन स्वीकारा था, लेकिन इस कानून के तहत अगर आप किसी विदेशी आरोपी को गिरफ्तार करते हैं तो जिस देश का वो है उसकी जानकारी आपको उसके अधिकारियों को तुरंत बतानी होती है, लेकिन कतर ने ऐसा नहीं किया। एक महीने तक भी उसने छिपा कर रखा, और अब भी उसकी तरफ से जो आरोप है किस तरीके के लगे हुए हैं इन 8ों पर, वो अब तक साफ नहीं हो पाया है। इसके साथ साथ अब ये समझिए कि भारत के पास आखिर कौन से वो रास्ते हैं। 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है बेहतर कानूनी सहायता, यानी कि बेहतर से बेहतर जो कानूनी सहायता है वो दी जा सके, और विदेश मंत्रालय इसको लेकर लगातार काम भी कर रहा है। अगर उससे बात नहीं बनती है तो दूसरा तरीका है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील करने का। तो कुलदीप जाधव आपको याद होंगे, जो कि पाकिस्तान की जेल में इस वक्त बंद हैं, और ऐसे में जासूसी का आरोप उन पर लगा था, और इसको लेकर भारत सीधे सीधे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया था, और फांसी की सजा पाकिस्तान की ओर से सुना दी गई थी, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पाकिस्तान की कोर्ट को यह कहता है कि इनकी सजा पर एक बार फिर से पुनर्विचार कीजिए, और रोक लगा देता है। तो ये भी एक ऑप्शन है। तो ऐसे में तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर ये दोनों ऑप्शंस फेल हो जाए तो कूटनीति, यानी कि दबाव बनाने का एक तरीका, कूटनीतिक रूप से दबाव बनाया जाए किसी भी तरीके से कतर पर, और ताकि कतर इस चीज को लेकर मान जाए। तो ये तमाम चीजें हैं, और भारत अपनी रणनीति यहां पर किस तरीके से बदलता हुआ दिखेगा, किस तरीके से अपनाता हुआ दिखेगा, इस पर सबकी नजरें।